हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का अधिसूचना जारी हुआ है। जो प्रधानाध्यापक नियुक्ति का जो नियमावली है उसमें संशोधन हुआ है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो आइए पूरे वीडियो को देखते हैं क्या क्या संशोधन जो है नियमावली में हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 1338 दिनांक 18/8/2021 द्वारा बनाई गई बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए नियमावली बनाते हैं। तो 2021 का जो नियमावली है उसमें संशोधन हुआ है। तो क्या संशोधन हुआ है, आइए देखते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी। और ये जो नियमावली बनी है ये नियमावली 23 कही जाएगी, नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। और यह जो अधिसूचना है जिस दिन से प्रकाशित हुआ है उस तिथि से जो है प्रवृत्त होगी। इसके बाद प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता से संबंधित नियम 6 और 5 के उपनियम क एवं ग को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक मतलब 9 और 10 के लिए जो है न्यूनतम योग्यता 8 वर्ष की लगातार सेवा मतलब अनुभव 8 वर्षों का होना चाहिए हाई स्कूल के लिए। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा और उच्च माध्यमिक मतलब +2 के लिए न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हाई स्कूल के लिए 8 वर्ष का अनुभव और +2 के लिए 4 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित नियम 8.3 से 8.5 को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है। आयोग द्वारा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रारूप प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। और इसका पाठ्यक्रम जो है BPSC के द्वारा, आयोग के द्वारा जो है इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप क्या होगा ये प्रशासी विभाग के परामर्श से जो है निर्धारित किया जाएगा। बिहार राज्यपाल के आदेश से KK पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का यह अधिसूचना जारी हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।